हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरे थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज मेरी वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। तो आज है मेरी फ्लाइट और ये आउटफिट होगा मेरा एयरपोर्ट लुक। सो आई डिसाइडेड टू वेयर अ लॉन्ग लेंथ कुर्ता। ये मैंने लिया था बी स्ट्रीट से। सो फॉर मी दिस वॉज बेस्ट फॉर माई एयरपोर्ट लुक। सो ये है इसका फुल लुक। गाइज, हमारे बैग्स हो गए हैं रेडी। फ्लाइट मेरी है लाहौर से। सो यहाँ से हम लोग पहले लाहौर जाएंगे, लाहौर से मेरी फ़्लाइट होगी, और ये सामान गाड़ी में रखवाएंगे, और बैकपैक विल बी माय हैंड कैरी, इसको मैं अपने साथ कैरी करूँगी। सो गाइज, फाइनली वी रीच्ड एयरपोर्ट। तो हमारी फ्लाइट को अभी टाइम है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, पिक्चर्स वगैरह लेंगे। बोर्डिंग वॉज डन स्मूथली। तो गाइज, हियर इज अ क्विक टूर ऑफ लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ इट्स आवर टर्न। हम लोगों ने प्लेन में जाना है, और इस तरह हमारा जो अनाउंसमेंट है वो हो गई है हमारे प्लेन की। और ये इतनी लंबी क्यू लगी हुई है, अभी थोड़ी सी कम होगी तो फिर हम लोग चलेंगे।
गाइस फाइनली वी आर इनसाइड द प्लेन एंड दीज आर द गुडीज ओमान एयर गिफ्टेड टू एवरी पैसेंजर। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, साथ में एयर सिकनेस बैग है और यहाँ पे एमरजेंसी एग्जिट कौन से हैं, यहाँ पे सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। प्लेन इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। येस आई मस्ट से ओमान एयर की ये सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, दैट दे आर पंचुअल, दे आर ऑन टाइम। उनका प्लेन बिल्कुल डिले नहीं हुआ, दे वर ऑन टाइम। जितना टाइम टेक ऑफ का लिखा हुआ था बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हमने टेक ऑफ किया। बस यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मुझे कुछ मज़े का मिल जाए देखने के लिए, सो दैट आई कैन इन्जॉय माई जर्नी मोर वेल। Guys, here is our meal और साथ में मैंने लिया था एप्पल जूस। दिस इज़ आर इंटायर मील और इसमें था वाटर बॉटल और ये स्पेसिफिकली ओमान एयर की कस्टमाइज थी, तो वाटर बॉटल थी, साथ में स्पून्स वगैरह थे। साथ में उन्होंने सॉल्ट एंड पेपर के एडिशनल पैकेट्स भी दिए थे, सो दैट अगर हमें नमक कम लग रहा होगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ था टिश्यूज एंड वाइप्स। सो लेट्स ओपन आवर मील, अब देखते हैं मील में उन्होंने हमें क्या सर्व किया है। सो ये रहे हमारे अरेबियन राइस और साथ में बॉयल्ड वेजिटेबल्स थे। राइस के साथ था ये बन, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, बटर भी प्रोवाइड किया गया था, आप बटर के साथ भी खा सकते हैं। और ये थी स्वीट डिश, इट वाज समथिंग लाइक चॉकलेट मूस, तो इसको मैं बाद में टेस्ट टेस्ट करूँगी अपने मील के बाद। चलिए करते हैं अपने मील का टेस्ट टेस्ट। और अच्छा, चावलों के साथ उन्होंने चिकन भी दिया हुआ था, इट वाज लाइक अरेबियन चिकन, अरेबियन राइस, लाइक उस तरह से कोई इनकी डिश है। सो दिस वाज सो टेस्टी, सो यमी, सो यम। Thank you.
दिस इज़ यम बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है, बट बहुत ही ज़्यादा मीठा था तो बट इतना ज़्यादा से नहीं खाया गया, बट टेस्ट वॉज वेरी गुड। डन विद आर मील, बहुत ही मज़े का इनका खाना था, टेस्ट वॉज गुड। तो पानी मैंने अपने पास रख लिया था फॉर लेटर। सो गाइज, आफ्टर द मील दे ऑफर्ड कॉफ़ी और टी टू एवरी पैसेंजर, सो आई हैड माई कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ उन्होंने शुगर प्रोवाइड की थी और साथ में उन्होंने क्रीमर दिया था। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं और मज़े से इंजॉय करते हैं। मेरी कॉफ़ी तो हो गई है रेडी, अब मैं इसको इंजॉय करती हूँ और साथ में मैं लगा रही हूँ कोई मूवी देखने के लिए, क्योंकि अभी एक घंटे का सफ़र रहता था। गाइज, वी आर एट फ्यू मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद हम लोग लैंड करेंगे और एक घंटे का स्टे है हमारा यहाँ पे, एंड देन वी विल चेंज आवर प्लेन एंड मूव टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन इंशाल्लाह।